स्काईबर्ड हाइड्रा इज न्यू हिट इन क्लैश ऑफ क्लांस। हे गाइस, स्वागत आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज नई अटैक स्ट्रेटजी देखेंगे क्लैश ऑफ क्लांस से रिलेटेड। स्काईबर्ड है मतलब जो आर्मी आपको दिख रही है, 6 ड्रैगन्स 5 हीलर्स के साथ हम अटैक्स करेंगे। 2 इसमें ड्रैगन राइडर भी है। देखिए, क्वीन चार्ज करेंगे एक पोर्शन पे जहाँ पे टाउन हॉल को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, और फनलिंग क्रिएट करते हुए साइड में जो पैरामीटर के पास जो भी रेजिडुअल बिल्डिंग्स हैं उनको गिराने की कोशिश करेंगे कि बेबी ड्रैगन से वो पाथिंग क्रिएट हो जाए और क्वीन हमारी टाउन हॉल के पास पहुंच जाए। टाउन हॉल टेक डाउन होने के बाद में दूसरे पोर्शन में हम किंग डिप्लॉय करेंगे, और किंग डिप्लॉय करने के बाद में वहीं उसके पास में हमारी जो सीज बैरक यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत केसेस में हम क्या करेंगे कि टाउन हॉल के अपोजिट साइड से अटैक करेंगे। तो बैटल ब्लिंप लेते हैं, यहाँ पे बेटर ऑप्शन है कि सीज बैरक के अलावा एक स्टोन स्लैमर हम ले सकते हैं, लेकिन इस अटैक स्ट्रेटजी में मेरे साथ क्या हुआ कि वो स्टोन स्लैमर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, गलती से वो छूट गया था। तो मैंने सीज बैरक यूज़ कर लिया ताकि कुछ ट्रोप्स और पैका हमें एक्स्ट्रा मिल जाए। यहाँ पे देखो, क्वीन ने आराम से टाउन हॉल को डाउन कर दिया, एनिमी क्वीन को डाउन कर लिया एक हैंड हंटर की मदद से। मल्टी टारगेट इन्फर्नो हमारे हीलर्स को डैमेज दे रहा था तो उसको फ्रीज कर दिया, सीज बैरक डिप्लॉय कर दिया, किंग को बाहर पैरीमीटर के पास 1 o'clock पे फनलिंग के लिए डिप्लॉय कर दिया। बाकी जो हमारे स्काईबर्ड है मतलब वार्डन के साथ ही ड्रैगन्स और 2 ड्रैगन राइडर्स है उनको डिप्लॉय कर दिया, आरसी को डिप्लॉय कर दिया ताकि जो बेस में जो कोर डिफेंसेज है वहाँ पे वो पहुँच सके। सीसी पुल हुआ है तो पॉइजन स्पेल है तो पॉइजन स्पेल का यूज़ कर लेंगे, और बाकी बड़े आराम से ये बेस को क्लियर कर लेंगे, बहुत ही आराम से क्लियर कर लेंगे। हमारे पास जो रेजिडुअल फ्रीड स्पेल और रेड स्पेल है उनको यूज करना है और आराम से ये क्लियर कर लेंगे। वार्डन की पैरीमीटर में हमारी क्वीन भी आ जाती है तो वहाँ पे बेस्ट यही रहता है कि एबिलिटी वहाँ यूज करें ताकि क्वीन को भी पुश मिल सके आगे और आरसी को भी पुश मिल सके, उस टाइम यूज करें। स्टोन स्लैमर रहता है तो काफ़ी अच्छी पाथिंग क्रिएट हो जाती है क्वीन के लिए भी, क्योंकि वो वॉल्स को ब्रेक कर देता और इजी हो जाता है इस अटैक को एग्जीक्यूट करना। देखिए, आप देख सकते हैं मेरी आर्मी यही है लीजेंड में पुश करने की, और मैं 5500 के भी अबोव 5600 के अराउंड मेरी ट्रॉफीज पुश कर चुका हूँ इसी आर्मी के साथ। मैं हाइब्रिड भी ट्राई कर रहा हूँ, हाइब्रिड मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है या ये लग रही है, उसको जानने के लिए आप वीडियोस में बने रहे हैं और हमारे वीडियोस देखते रहिए। और उसके साथ आपसे मुझे एक शिकायत है, वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा इस रिप्ले के बाद में। दोस्तों, आपसे इतना सा तो सपोर्ट बनता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे जो यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, हमारे मेरे जो वाचर्स हैं वीडियोज़ के, वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ एनालिटिक दिखाऊंगा। देखिए, इस बेस को इन्होंने आराम से क्लियर कर लिया है। मैं जो बता रहा हूँ कि अगला रिप्ले देखने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वो ज़रूर देखिए। हम एनालिटिक्स दिखाएंगे कि हमारे यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करने के बाद, यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लिया उसमें एनालिटिक्स जो है उस पोर्शन में हम देखेंगे कि देखिए, YouTube एनालिटिक्स में जाएंगे और ऑडियंस में जाने के बाद हमें पता चलता है कि ऑडियंस में जाने के बाद पता चलता है कि जो हमारे वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर्स है, फ्रॉम सब्सक्राइबर्स है, वो 97.5% एरो पे देखिए नोट सब्सक्राइब्ड है। चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जैसे ही हमारे नया वीडियो मिलता है उसको आप देख पाएँ। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि 97.5% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये ही हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रिप्ले में हम देखेंगे कि क्या किया है। इसमें भी टाउन हॉल एक तरफ है और दूसरी तरफ ईगल आर्टलरी है, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि टाउन हॉल के अपोजिट साइड से जाएं। टाउन हॉल के अपोजिट साइड से हमने क्वीन डिप्लॉय कर दी है। देखिए, यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई है हमने, क्या किया है, क्वीन के साथ पहले हीलर्स डिप्लॉय नहीं करिए क्योंकि एडी था, फास्ट में एयर डिफेंस था तो हमारी हीलर्स को डैमेज दे सकता था। देखिए, टेस्ला फार्म एक्टिवेट हो गया है तो उस टाइम हमें रेज स्पेल का सही टाइम पे, और अगर ज़्यादा डैमेज दे रहा है तो फ्रीज करने से ना चूके, फ्रीज क्वीन को बचाना मेन प्रायोरिटी है। ज़्यादातर स्पेल्स बचा के बाद में कोई फ़ायदा नहीं है, पहले
फ्रीज और रेज स्पेल के साथ क्वीन वॉक करवानी है ताकि मेजर डिफेंसेस हम टेक डाउन कर सके। यहाँ पे मेन दो क्रॉसबो और एक ईगल आर्टलरी को हम अभी तक टेक डाउन कर चुके हैं, कैनन को टेक डाउन कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए फनलिंग क्रिएट करी है किंग से, और बीच में कोर में जो स्काईबर्ड हमारी आर्मी है, ड्रैगन्स और दो ड्रैगन राइडर, बैटल ब्लिम्प को डिप्लॉय करके वार्डन की एबिलिटी टाइम पे यूज करनी है ताकि ब्लिम्प अक्रॉस द बेस जाके टाउन हॉल पे जाके फूटे, और वहाँ पे रेड स्पेल के साथ उसमें लून्स रखे हैं तो टाउन हॉल को बड़ी आसानी से टेक डाउन कर लेंगे, और जो पास वाले डिफेंसेस है उनको भी आराम से टेक डाउन कर लेंगे। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, अक्रॉस द बेस हमारी बैटल ब्लिम्प नहीं जा पाएगी, तो आप वहाँ पे स्टोन स्लैमर का यूज कर सकते हैं। स्टोन स्लैमर भी बेटर ऑप्शन है, क्वीन के लिए बहुत अच्छा पाथिंग क्रिएट कर देती है वॉल्स को ब्रेक करके स्टोन स्लैमर। तो ध्यान रखें कि स्टोन स्लैमर वहाँ डिप्लॉय करें जहाँ पे क्वीन वॉक कर रही है, उसके आसपास वाले एरिया में डिप्लॉय करें, तो बेटर वैल्यू निकाल के देगी क्वीन को आगे पुश करने में। और देखिए इस बेस में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ग्राउंड एक क्रॉसबो था उसको एयर डिफेंस ने डाउन कर वो सॉरी वार्डन ने डाउन कर दिया है, और एक एडी बच रहा है जो डैमेज दे रहा है ड्रैगन्स को हमारे, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा नहीं। क्वीन और वार्डन के साथ अब बाकी बेस क्लियर हो जाएगा। तो एक हमारे पास अभी तक इनविजिबल स्पेल है, तो मेन मोटिव हमारा ये रहता है दोस्तों, स्टार्टिंग में क्वीन हमारे डेड ना हो, क्वीन की वैल्यू निकालनी है। फ्रीज स्पेल और जो इनविजिबल स्पेल है उसके साथ आपको क्वीन को अलाइव रखना है, बेस में पुश करना है, उसके बाद में बाकी काम फनलिंग क्रिएट करके मेन मिड में कोर में ट्रूप्स को पुश करने के लिए, स्काईबर्ड आर्मी को पुश करने के लिए हमें डिप्लॉय कर देनी है ताकि कोर में आर्मी जाए। स्पीड अप करके देखते हैं कि ये बेस आराम से क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में दिखाया कि लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।